जो ना चिकन बहुत कम दिया, ये लोग काफ़ी कंजूसी करता है चिकन डालने में। डेढ़ मन्नत का अराउंड 75 रुपीज़ हुआ, चिकन काफ़ी कम दिया। काफ़ी भीड़ हो रहा है यहाँ पर अभी। हेलो, काफ़ी भीड़ हो रहा है यहाँ पर। तो अभी आ गए निज़ाम स्ट्रीट, ये यूसुफ भाई हम लोग को हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। ये हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे निज़ामी स्ट्रीट में। सिम कार्ड ढूंढे ढूंढे कहीं तो मिला नहीं अभी तक। यहाँ पे बोल रहे अदर सेल का है नहीं। अदर सेल क्या है ना, उसका नेटवर्क कवरेज बहुत अच्छा है तो इसे अदर सेल दे रहे हैं। यहाँ ठंड होने आया है ऐसा दिखता है निज़ामी स्ट्रीट। और बात की ऐसा ही है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे कबूतर है। ये बिल्कुल अरबाज की जैसा लग रहा है। अरबाज स्ट्रीट था ना मॉस्को में जैसा, वैसे ही है रास्ता यहाँ का भी आर्किटेक्चर। ये वैसे ही है, सोवियत टाइप आर्किटेक्चर है। ये जो है ना, ये एरिया सबसे पॉपुलर एरिया है यहाँ का। मींस कैफ़े है, रेस्टोरेंट, पब है, बार है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सब कोई आता है। वीकेंड का शाम के टाइम जो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है यहाँ पर। ऐसे यूजुअली लोग आता है, स्टूडेंट ऐसे घूमता फिरता है, लेकिन शाम के वक्त और वीकेंड सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है। फाइनली अदर सेल का मिल गया, ये दिखाया भाई। हम लोग जा रहे हैं यहाँ सिम कार्ड लेने के लिए। क्लोज नहीं, ओपन है, लग रहा था बंद है, खुला है यहाँ पर तो। हेलो, सिम कार्ड? यस सर। हाउ मच यू वांट सिम कार्ड? फॉर इंटरनेट, फॉर डाटा, फॉर कॉल, फॉर डाटा, फॉर कॉल, मोस्टली कॉल। Is it two type of number? Number is for internet number. Only number, internet, no calling. No calling. Yes, number is with call with internet. How much this? How much this? How many GB you want? And say total rate. Tell me the price. जैसे कल यहाँ पर गए थे हम लोग गैलेंची का मेट्रो के बाहर, वहाँ पे 15 में आज ही हो गया था। यहाँ पर ज़्यादा बोल रहा है, मे बी ये निज़ामी स्ट्रीट है इसलिए 25-30 मिनट। आई थिंक इट्स एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इज नंबर, इट्स नंबर मनी फॉर 15 in plus internet, you recharge balance, then you buy this total. I'm say total price with number. Have you number? Mm-hmm. It's a cheap price. It's not number. Five minute? Five minute? No, 5 minute. No, numbers is 5 minute. Okay, thank you. Ask from Genjilik, only 5 minute. अब Genjilik ही जाते हैं। Other cell in country? Other cell तक कौन सा? हाँ, other cell था। Other cell. And recharge? If you want how much? Genjilik same card 5 minute. Recharge 10 manat, 15 manat. To station. Yeah, we'll go there. Far in here. ये है बाकू का मेट्रो स्टेशन, जो कहते सही से दिखाना अलाउ तो है नहीं यहाँ पे, मना, लेकिन फिर भी वीडियो ले रहे हैं। ज़्यादा स्टेशन है, बिल्कुल अपना मॉस्को के तरह ही है यहाँ का मेट्रो भी। पुलिस ऑफिसर घर से रखना पड़ा। यहाँ पे सिम कार्ड देखने के लिए एक्टिवेशन अलग से देना होगा। एक्टिवेशन 2 महीना, सिम कार्ड 5 महीना, एक्टिवेशन देन 2 महीना। अच्छा, सिम कार्ड का अलग से है, एक्टिवेशन के लिए फिर अलग से देना पड़ता, इंटरनेट के लिए फिर अलग से देना पड़ता है। काफ़ी झमेला है यहाँ पर। तो अभी मैं इशारी शहर मेट्रो में पहुँचने वाले हैं। तो ऐसा कुछ मेट्रो है यहाँ का बाकू का, पूरा मॉस्को के ऐसे ही है ये वाला। खाली हो रहा है क्योंकि ये लास्ट स्टॉप है यहाँ पर। इशारी शहर जो है ना, ये ओल्ड सिटी है, पुराना वाला शहर है। जैसे दिल्ली का पुराना दिल्ली है, नया दिल्ली है, वैसे ही है ये वाला भी। यहाँ पर वीडियो लेने से मना करता है पुलिस, पुलिस सबको मना करता है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये तो अभी कोई है नहीं, फिलहाल खाली हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वीडियो ले रहे हैं अभी। चलना है। चलो मैं तो कॉर्नर में जाऊँ।
ये हम आ गए इचारी शहर के बाहर है, ये कोई पार्क सा लग रहा था ऐसे, काफ़ी खूबसूरत सा पार्क है। पार्क तो नहीं, पता नहीं क्या है, ये फाउंटेन है, एक अपना यूरोपियन स्टाइल का है ये फाउंटेन। और यहाँ पर जो है ना, ये सब लोग यहाँ पे शादी का फ़ोटो वोटो ले रहे हैं यहाँ पे, या कोई फोटोग्राफी सेशन चल रहा है। जिसको देखोगे यहाँ पे सब काला में कपड़ा पहन के ही है। ऊपर में चल रहा है शादी का फ़ोटो सेशन। तो ये पार्क की तरफ से निकले, एक बहुत खूबसूरत लग रहा है ये बाकू। अभी फ़िलहाल ऐसे दिखाने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, जैसे होता ना कि कुछ खास दिखाते हैं बाकू शहर में, ऐसा कुछ खास है नहीं। ये हम लोग पुराने शहर में आए हैं। ये बिल्डिंग देखो एकदम वाइट बिल्डिंग नहीं है, ये अलग ही तरह का सीमेंट का बना है ये। वो रहा फ्लेम टावर, फ्लेम टावर आप लोगों को दिख रहा होगा, फ्लेम टावर है वहाँ। फ्लेम टावर के पास भी जाएंगे अभी, यहाँ पे साहिल के सामने ये बीच है, बीच को शायद साहिल बोलते हैं यहाँ पर। ये अपना पूरा आप समझ लो टर्की है या तो आपका रशिया है, ये दोनों का पूरा मिक्स है यहाँ पर। और मैं आ गया हूँ अब यहाँ के बीच में। ये बीच तो नहीं है, रिवर्स कैस्पियन सी है ना, ये तो कैस्पियन सी के साइड वाला है बीच, ये प्रॉपर बीच नहीं है। यहाँ पे सारा यॉट वॉट रखा हुआ है इस तरफ, वहाँ पर भी है यॉट। और वो आई थिंक लाइब्रेरी है कुछ वो वाला, और फ्लेम टावर वहाँ से दिख रहा है साइड में। उस साइड का जो बिल्डिंग देखोगे ना आप, पूरा लगेगा कि मॉस्को का ऐसा बिल्डिंग है यहाँ पर। और ये यहाँ का नेशनल फ्लैग है अज़रबैजान का। कुछ खास है नहीं करने के लिए, आप लोग आते हो अगर अज़रबैजान बाकू अगर घूमना है, अगर आप नाइट क्लब के लिए आ रहे हो तो ही नाइट क्लब, खाना पीना कुछ डिफरेंट खाना ट्राई करना है तो आओ यहाँ पर। तीन दिन बहुत है, 3-4 दिन के लिए। अगर और कुछ देखना है, हिल स्टेशन देखना है, तो आप जा सकते हैं आगे। ज़्यादा क्राउड है नहीं अभी, लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे को जो है ना बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पर। बिल्कुल टर्की के जैसा वो बंस मिलता है खाने के लिए रास्ते में, ठीक ठाक सही प्राइस है। अभी शाम होगा तो सब लाइट इन अप हो जाएगा यहाँ पर, सब लाइट वाइट ऑन हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा दिखने में। तो गाइस मैं हूँ अभी ओल्ड सिटी के तरफ में बाकू का, यहाँ पे आ गया हूँ। ये बहुत ही मॉस्को के जैसा ये फील आ रहा है यहाँ पर, काफ़ी एंटीक से बिल्डिंग है ये सब। ये कोई यूनिवर्सिटी है साइड में, किसी को ऐसे इस रास्ते में भी बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है। बिल्कुल एंटीक से बिल्डिंग है ये वाला, ये है इस्तिक्लाल अली, ये कुछ स्ट्रीट का नाम है ये वाला, ओल्ड बाकू सिटी है। अभी यहाँ पर यूनिवर्सिटी का छुट्टी हुआ है ऐसा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। एक कोई इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, गाड़ी ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते रास्ता यहाँ पर, आपको क्रॉस करने के लिए इसके अंदर एक अंडरग्राउंड होता है, वो उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। एकदम मॉस्को की तरह ये वाला। शाम हो गया, ऐसे यहाँ पे लाइट वाइट ऑन कर दिया गया है यहाँ पर अभी, और सब गाड़ी चल रहा है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत सा शहर है ये वाला, इस साइड में एटलीस्ट बाकू का। पुराना जो न्यू शहर है वो भी अच्छा है, ये ओल्ड सिटी है। ओल्ड सिटी होने के बाद ये तो आर्किटेक्चर भी यहाँ का ओल्ड सिटी वाला ही है, ये मॉडर्न बिल्डिंग्स नहीं है, ये सब पुराना बिल्डिंग है। बाकू सिटी टूर कार्ड। तो मैं यहाँ पे आया था ये कोल्ड ड्रिंक ओल्ड्रिंक लेने के लिए, ऑरेंजेस यहाँ पे लिया मैंने, 2 ऑरेंज का पड़ा मुझे 40 रुपये, 40 पड़ा, मींस एक पीस 20 रुपये का पड़ा। और यहाँ पे जो है ना कंपैरेटिवली मॉल के हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा सस्ता है खाना पीना। ये दुकान का नाम है, क्या नाम है, ओस्कर नाम है दुकान का। और यहाँ पर मैं इन लोगों से मिला रुस्तम से। रुस्तम सलाम अलैकुम। ये यहाँ से लंकारा, ये भाई लंकारा से, लंकारा मसाली विलेज, द बेस्ट प्लेस यू गो इन अज़रबैजान इज शमशीर। शमशीर, यस, नियर इट्स नियर जॉर्जिया, नियर जॉर्जिया, जकातला,
के पास ऑटोस्टॉप यस ऑटोस्टॉप यस हम लोग यहीं पे आए बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये वॉलंटियर काम करते हैं यहाँ पे और इन लोगों का सैलरी है 600 मन्नत का है सैलरी ये लोग का 600 में यहाँ पे काम करते हैं एक महीना तो पूछ रहा कि ये तो काफ़ी कम है बोलता है कि कैसा गुजारा कैसा होता है बोलता ठीक ठाक हो ही जाता है 600 मतलब हमारे इंडिया का हुआ 30,000 तो सैलरी कम है यहाँ पर यहाँ के लोगों के पास खुद भी जॉब नहीं है तो अगर कोई आ रहा है यहाँ से जॉब के चक्कर में अदरवाइज पैसा मिल जाएगा क्योंकि करेंसी हाई है तो सोच लेना चाहिए फिर एक बार। ये हम लोग निजामी स्ट्रीट में हैं यहाँ से डोनर कबाब खाए थे रात। गुड मॉर्निंग गाइस आज एक नया दिन है और आज हम लोग बाकी छोड़ रहे हैं तो मैं आया यहाँ पे ये कैफ़े है यहाँ पर एक बर्गर खाने के लिए आया यहाँ पर 3 मिनट लगा है यहाँ समझ में नहीं आता रशिया में चलो फिर भी समझ में आता है यहाँ समझ में ही नहीं आता है ये सब है यहाँ पे 1 मिनट का ये सब अजेरी खाना है तो मैंने यहाँ पे कुछ तोयुक नाम का है बस देर में तोयुक नाम का कुछ ऐसा बर्गर दिख रहा था तो वही बोला कि वही खाना है यहाँ पर है ये यहाँ पे सब जगह टर्किश फ्लैग लगा हुआ है टर्किश अज़रबैजानी वो तो नाम भूल गया क्या है ये जो लेना तो मिल गया हाँ हाँ ऑर्डर दे दिया अब देखते कितना टाइम लगता है आने में तो ये आ गया मेरा पता नहीं क्या है तो ये रशियन बोलना ज़्यादा इजी है टर्किश से रशियन बहुत ज़्यादा इजी है समझने में भी इजी है बहुत इंग्लिश से मिलता जुलता है और टर्किश क्या है ना उर्दू वर्ड है उसका लेकिन समझ में इतना आता नहीं है अल्फाबेट क्या लिखा हुआ समझ में आता नहीं है ये मैं खा रहा हूँ क्या है पता नहीं लेकिन ठीक ठाक सा कुछ टर्किश खाना है चिकन है फोटो में कुछ और दिख रहा था बर्गर के जैसा लग रहा था पर है कुछ और चिकन है चीज़ है आलू है टमाटर है बस ठीक ठाक से ऐसा चला डोनर था दिखने में बर्गर लग रहा था इसलिए खा लिया लेकिन अब खाते और खा के निकल जाते। तो अभी हम है कोई मेट्रो स्टेशन में यहाँ से और अब जाना है अफतो बगदाद स्टेशन। यहाँ का मेट्रो स्टेशन ख़ास बात ये है ना कि हर स्टेशन का जो है स्टाइल डिफरेंट होता है यहाँ का। तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ के हाईवे में। ये हाईवे जाता है पूरा रशिया की तरफ जाता है ये वाला हाईवे। तो यहाँ पे मैं लिफ्ट लेके जाने वाला हूँ देखते हैं अगर लिफ्ट होता है यहाँ पर तो ठीक है नहीं तो यहाँ से फिर बस ले लेंगे क्योंकि ज़्यादा देर वेट करने से दिन निकल जाएगा फिर हॉस्टल में जाना पड़ेगा। उससे अच्छा थोड़ा देर देखते हैं फिर यहाँ से बस ले लेते आगे से। कुछ ऐसा हाईवे है यहाँ का अज़रबैजान में।